उज्जैन जिले के तराना तहसील में आगर रोड स्थित पाट के पास एक निर्माणाधीन ब्रिज का हिस्सा ढह गया। हादसे में 5 मजदूर घायल हो गए। बताया जा रहा है कि छोटी काली सिंध नदी पर एक नए ब्रिज का निर्माण कार्य चल रहा है। गुरुवार को एक हिस्से पर स्लैब डालने का काम चल रहा था। आधा ही डला था कि अचानक भरभरा कर ब्रिज गिर गया। स्लैब के ऊपरी हिस्से में काम कर रहे मजदूर इसी के साथ नीचे गिरकर घायल हो गए, जिन्हें बाहर निकालकर अस्पताल पहुंचाया गया। ब्रिज के धराशायी होते ही कांग्रेसी विधायक महेश परमार कार्यकर्ताओं के साथ मौके पर पहुंच गए और ब्रिज की गुणवत्ता पर सवाल उठाते हुए धरने पर बैठ गए। उन्होंने शिवराज सरकार को कोसते हुए कहा कि वो भाजपा नेता और अधिकारियों की मिली भगत का नतीजा है। धरने पर बैठे लोगों की मांग थी कि भ्रष्टाचारियों पर कार्रवाई की जाए, घटिया निर्माण कार्य बिल्कुल भी नहीं चलेगा। ब्रिज के गिरने की सूचना पर कलेक्टर आशीष सिंह भी मौके पर पहुंचे। सेतु निगम के कार्यपालन मंत्री ए.के. अग्रवाल का कहना है कि पुल के ट्रेस पर कौन सेटिंग का काम चल रहा था, बीच का हिस्सा आखिर कैसे रहा, इसकी जांच की जा रही है। पुलिस के अनुसार निर्माणाधीन पुल के स्लैब का एक हिस्सा ढह गया है। वहीं घायलों को निजी अस्पताल में भर्ती करवाकर उनका इलाज किया जा रहा है। फिर से आपको ये पार्ट में हमारा एक माँ काली सिंध नदी पर ब्रिज का निर्माण हो रहा है, पिछले 2 वर्ष चल रहा है। मैंने इस घटिया निर्माण के लिए खिलाफ मध्य प्रदेश की विधानसभा में प्रश्न लगाया और अधिकारियों को भी इसकी शिकायत की, यहाँ तक कि मुख्यमंत्री जी को शिकायत की। आज इतनी बड़ी घटना घटित हुई है, एक व्यक्ति तो इसमें दबा हुआ है, क्या स्थिति है अभी ये मलबा साफ करने के बाद स्थिति क्लियर होगी। और 5 मजदूर गंभीर रूप से घायल हो गए, उनको हमारे पार्टी के नेता आदरणीय गोपाल सिंह जी ने वहाँ पे हॉस्पिटल हमने भेजा है। और ये स्थिति हमने देखा कि यहाँ ये स्थिति है कि जो 32 mm 40 mm के सरिये लगना थे वो 10 mm के सरिये लगा रखे हैं उसमें। तो निर्माण होने के पहले ये भ्रष्टाचार के भेंट ये ब्रिज चढ़ चुका है। और अगर भगवान ने करे, अगर ये घटना बनने के बाद होती तो बड़ी घटना घटित होती है। तो ये ठेकेदार के ऊपर संबंधित कॉन्ट्रैक्टर उसके ऊपर FIR होना चाहिए। इसमें जो अधिकारी है इसके सेतु निगम के, उनके ऊपर गंभीर, उनके ऊपर भी FIR दर्ज होना चाहिए, उनके ऊपर कार्रवाई होना चाहिए, सस्पेंड होना चाहिए। और ठेकेदार को टर्मिनेट करके इसके पूरे अधूरा जो ब्रिज है उसकी जाँच होना चाहिए, इसकी गुणवत्ता की, और इनके खिलाफ कार्रवाई होना चाहिए। आप देख रहे हैं किस तरह शिवराज सरकार के जो लोग हैं भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। इस तरह का ब्रिज जो करोड़ों रुपए की लागत का, वो बनने के पहले ही गिर जाता है, तो इससे बड़ी दुर्गति मध्य प्रदेश की कोई हो नहीं सकती है। पूरे मध्य प्रदेश में भ्रष्टाचार का बोलबाला है। शिवराज सिंह चौहान इसमें मिले हुए हैं, 2 साल से ठेकेदार, भाजपा शासन काल में इसका ठेका हुआ था, ये स्थिति इसकी है। तो मैं मीडिया के माध्यम से सभी मीडिया के साथियों से मांग करता हूँ कि इसके खिलाफ आप सब लोग बुलंदता के साथ आवाज़ उठाएं और जो बेचारे पीड़ित परिवार हैं उनको न्याय मिले। और जो भी गंभीर रूप से घायल है, मैं तत्काल सरकार से मांग करता हूं उनको 10-10 लाख रुपए मुआवजा दिया जाए, उनके उनके जो जितने भी जांच हो उनके भी इलाज फ्री किया जाए। जी, माता जी थे आपके पास में, उनके माता जी के पति अभी दबे हुए, हम सब लोग, हमारे कार्यकर्ता हम सब लोग लगे हुए हैं, अभी क्या स्थिति है। अगर वो जो बा साहब हैं वो दबे हुए होंगे तो वो तो क्या स्थिति उनकी भगवान जाने। हाँ, संशय है, लेकिन ये ठेकेदार, ये कॉन्ट्रेक्टर, ये इस विभाग के अधिकारी और जितने भी भोपाल से लेके यहाँ तक और यहाँ के जो नेता हैं भाजपा के पूर्व अभी वर्तमान सांसद जी, वो भी इनका एक खास आदमी है, वो भी इसमें मिले हुए हैं, उनके साथ षड्यंत्र है, सिर्फ कमीशनबाजी में लगे हैं। तत्काल इनके ऊपर कार्रवाई होना चाहिए। आपने चक्का जाम किया था, वो कलेक्टर आए थे उनसे। हाँ, चक्का जाम किया हमने यही बताने के लिए कि ये सीमेंट या 12 mm 32 mm का सरिया लगना चाहिए। आप कैसे अगर घर की छत भरते हैं वो 100 साल तक चल सकती है, तो करोड़ों रुपये का निर्माण का ये ब्रिज जिसमें आगर कोटा झालावाड़ उज्जैन मार्ग हजारों वाहन रोज निकलते हैं, तो उसकी क्या दशा होगी। तो ये भाजपा के शासनकाल में इस तरह की घटना घटित हो रही है, इसके हम विरोध करेंगे और कल 1 बजे हम प्रेस कॉन्फ्रेंस लेके पूरा पत्रकार वार्ता लेके इसका खुलासा करेंगे। कलेक्टर साहब ने आपको क्या आश्वासन दिया जी? कलेक्टर श्री आशीष सिंह जी ने हमसे कहा है कि इनके सबके खिलाफ कार्रवाई होगी, अगर नहीं हो तो हम तो हमारा न्याय के लिए हम लड़ेंगे, हमारी मांग है। आप देख रहे हैं 32 mm सरिये की जगह रेती इसमें है नहीं, सिर्फ डस्ट से भरा हुआ है। तो अगर इससे बड़ी दुर्गति कुछ हो नहीं सकती मेरे विधानसभा क्षेत्र में, इस तरह से अपने विधानसभा क्षेत्र के लोगों के साथ अन्याय होते हुए देख नहीं सकता। ये तो और लाखों लोगों का आवागमन इस पर होना है, तो आने वाले समय तो बड़ी दुर्घटना घटित होगी। तो आज ही हम इस लिए लड़ाई लड़ेंगे। विधायक जी, ये घटना के बाद काफी